अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम इंग्लिश 4 प्लस के अल्फाबेट्स एम और एन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं SLOs को। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक चिल्ड्रन विल बिगिन टू रिकॉग्नाइज लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, रिकॉग्नाइज लेटर्स विद देयर इनिशियल साउंड्स, अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स एंड पिक्चर्स कैरी मीनिंग्स, Learn vocabulary as sight words. Think of a variety of objects beginning with a single letter of the alphabet. तो हम आए हैं आज के अल्फाबेट के ट्रेजर बॉक्स के साथ। देखते हैं हमारे ट्रेजर बॉक्स में आज क्या है। सब तैयार है? तो आवाज ही कुछ नहीं आ रही, पता नहीं क्या है इसके अंदर। तो हम देखते हैं। ये क्या है? क्या था, किसी को पता चला? अरे वो देखो, दरख्त पे चला गया, ट्री के ऊपर। ये है मंकी। भाई वाह, वो देखो मंकी, इसकी टेल कितनी लंबी है। ओहो, और इस टेल से ये तो ट्री पे लटकता भी है। और ये ब्राउन कलर का मंकी है। ओह, आपने किस किस से मंकीज देखे हैं? जू में तो मैंने देखा है, और मैंने तो एक दफा सड़क पे भी एक आदमी को देखा था जिसके पास डुगडुगी थी, डुग 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 डुग। उसके पास एक बंदर भी था, मंकी, और वो मंकी का तमाशा दिखाता था बिल्कुल, और वो इसी तरह ही उछलता था मंकी की तरह। ओहो, अच्छा तो अब हमने देखा वो मजेदार सा मंकी जो यहाँ उछल रहा था, वहां उछल रहा था, और फिर वो छलांगे मारता हुआ भाग गया। अच्छा, अब मंकी किस आवाज से शुरू होता है? बिल्कुल, सो द साउंड ऑफ एम इज बिल्कुल सही। और जब हम कोई मजेदार सी चीज खाते हैं तो हम कहते हैं ना बिल्कुल वही वाली आवाज है इसकी। हम देखते हैं कि हमारे पास बुक में एम से शुरू होने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं। हमारे पास है मैंगो, यानी एम मैंगो, एम मग, एम मेलन, और एम मंकी। ये तो वही शरारती मंकी है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था जी। अच्छा डियर टीचर्स, इनके बारे में आप बच्चों से बातचीत कीजिए, और साथ साथ बच्चों को इसकी इनिशियल साउंड की प्रैक्टिस करवाइए। जब आपने इनके बारे में बच्चों से बातचीत कर ली हो, फिर हम चलेंगे अपने साइट वर्ड्स की तरफ। आप फ्लैश कार्ड्स की मदद से जो एम के वर्ड्स हैं उनकी ड्रिल करवाइएगा। उसके बाद हम चलेंगे अपनी राइटिंग फॉर्मेशन की तरफ, और हम देखते हैं कि कैपिटल एम कैसे लिखते हैं। कैपिटल एम को लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम टॉप से एक स्लांट लाइन राइट की तरफ, फिर वहाँ से एक स्लांट लाइन ऊपर राइट की तरफ, और फिर एक स्ट्रेट लाइन नीचे। ये हमारा कैपिटल एम। स्मॉल एम को लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन छोटी सी नीचे डालेंगे। वी विल गो अप, मेक अ कर्व लेफ्ट राइट साइड की तरफ, नीचे, फिर एक और कर्व और नीचे, और ये हमारा स्मॉल एम जी। तो डियर टीचर्स, जब आपने बच्चों को इस फॉर्मेशन के बारे में बता दिया हो, तो फिर हम चलेंगे जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की बुक की तरफ। एम का पेज खुलवाइए, कैपिटल एम करवाइए और स्मॉल एम करवाइए। जब आप बच्चों की कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएंगे, तो फिर हम चलेंगे अपने अगले अल्फाबेट की तरफ, और वो है हमारा अल्फाबेट एन जी। एन की आवाज है न, नहीं है नाक से आवाज निकलती है, बिकॉज एन इज अ नोजल साउंड। बिल्कुल, आप बच्चों को भी इसी तरह बताइएगा। हम देखते हैं कि हमारे पास एन से कौन कौन सी पिक्चर्स और वर्ड्स हैं जो बुक में मौजूद हैं। हमारे पास है एन नेस्ट, एन नेट, एन न्यूज़पेपर, और एन नट्स जी। जब आपने इसके बारे में बातचीत कर ली हो और एन की प्रैक्टिस भी हो गई हो, तो फिर आप लेके जाएंगे फ्लैश कार्ड्स, बच्चों की साइट वर्ड इम्प्रूव करेंगे। साइट वर्ड इम्प्रूव करने के बाद हम चलेंगे अपनी राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ, और हम देखते हैं कि हमारा कैपिटल एन कैसे लिखा जाता है। कैपिटल एन को लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हम टॉप से नीचे की तरफ, यानी राइट साइड की तरफ, एक स्लांट ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल नीचे आएगा,
और फिर हम नीचे से ऊपर एक लाइन डाल देंगे। ये हमारा कैपिटल N। स्मॉल N लिखने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन छोटी सी ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम एक ऊपर जाके कर्व ड्रॉ करेंगे राइट साइड की तरफ और नीचे आ जाएंगे। ये हमारा स्मॉल N। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।